गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और दोनों पर पाँच पाँच हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम पटौती के गांव खोट में दो सगे भाइयों की हत्या में भी ये दोनों शूटर शामिल थे। बता दें, गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों साथी बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के साथी शूटर हैं। एक के बाद एक करीब दर्जन वर्ष से ज़्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम ये दोनों ही आरोपी दे चुके हैं। यूं ही यूपी पुलिस ने तो दोनों ही आरोपियों पर एक एक लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। गुरुग्राम पटौदी इलाके में खोट गांव में दो सगे भाइयों की हत्या मामले में भी यह दोनों शूटर वारदात में मुख्य सूत्रधार थे। दोनों सगे भाई मनजीत और परमजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस करीब इन दोनों आरोपियों सहित अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें, गुरुग्राम पुलिस के ACP क्राइम प्रीतपाल की माने तो उन्होंने कहा कि मनीष और मोहित नाम के ये दोनों आरोपी दर्जन भर से ज़्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दोनों ही आरोपियों पर यूपी पुलिस ने एक एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस ने बताया कि मोहित और मनीष लॉरेंस बिश्नोई के साथी शॉप शूटर हैं। यह हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल तक का यूज नहीं करते थे। दरअसल गुरुग्राम में दो सगे भाइयों की हत्या के बाद यह आरोपी अन्य दो हत्याओं की वारदात को और अंजाम दे चुके थे। सोनीपत पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब गुरुग्राम पुलिस सोनीपत से मोहित और मनीष को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है। पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि अभी अन्य आपराधिक वारदातों की गुत्थी भी आरोपियों से पूछताछ में खुल सकती है। ये दिनांक 25/2/2022 को गांव खोड में जो दो सगे भाइयों का हत्या कर गोलियां मार के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने पटौदी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 12 आरोपियों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें जो मेन शूटर उसके थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन दो अभियुक्तों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे लाके और कल गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनीष उर्फ सन्नी काकरण तथा मोहित उर्फ अतुल उर्फ मोटा हैं। ये दोनों काफ़ी केसेस में पहले इन्वॉल्व रहे हैं। ये लगभग 8-8, 10-10 के करीब वारदात लूट की हैं इनके ऊपर और 5-5 मर्डर दोनों ने कर रखे हैं अलग अलग जगह पे। यूपी पुलिस से 1-1 लाख रुपए का इनाम भी इन पे घोषित है और इनकी हमारे यहाँ इस डबल मर्डर में अहम भूमिका रही। इन्होंने जो ये ग्रुप था उसके कहने से और यहाँ पे आके हथियारों से फायरिंग की और उस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इनको गिरफ्तार करके और 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। जो हथियार इन्होंने यूज़ किए हैं ड्यूरिंग पुलिस रिमांड, उनको बरामद किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के टच में थे सर? हाँ, ये उस ग्रुप के ही शूटर हैं और उन्होंने ही इनको भेजा था यहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम देने के। और कितनी वारदात को अंजाम दिया लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या फिर उस गैंग के कहने पर? मैंने बताया इन पे लगभग 8-8, 10-10 लूट हैं और 5-5 मर्डर हैं अलग अलग जगह, अलग अलग वारदात इन्होंने कर रखी हैं और ये लगातार उनके टच में थे। और ये पहले इनमें से एक का तो फादर भी क्रिमिनल रहा है और फिर उसका मर्डर हो गया था, तो इनकी पूरी हिस्ट्री इस प्रकार की है और आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है। इतना पैसा दिया सर इनको मर्डर के लिए? पैसे के लिए मर्डर इन्होंने नहीं किया, ये उस ग्रुप के आदेश के अनुसार ये एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। आजकल क्रिमिनल अपने नए नए तरीके ईजाद करते हैं, ये भी क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई हम अगर मोबाइल नहीं रखेंगे तो पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि
हम जब भी काम करते हैं तो कई तरीके से काम करते हैं, और फिर भी आफ्टर ऑल इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन हर आदमी हर तरीके से अपने आप को पुलिस से क्राइम करने के बाद बचाना चाहता है, वो अलग बात है कि वो कितने दिन उससे बाहर रह पाते। सर, खोड़ गांव के बाद इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया? खोड़ गांव के बाद इन्होंने एक यूपी में और एक सोनीपत में वारदात को अंजाम दिया। मैडम, जी ठीक है सर। कुल मिला के सर, ये कहा जाए कि ये पैसे के लिए नहीं तो दहशत फैलाने के लिए मर्डर करते नहीं, हैं? मैंने बताया एक ग्रुप से ये संबंधित हैं और उस ग्रुप में ये मिलजुल के काम करते हैं, और वो किसी को रुकवाने के लिए, उसको शरण देने के लिए किसी को हथियार उपलब्ध कराते हैं, किसी की उसकी खुद की कहीं पे दुश्मनी होती है उसमें किसी को साथ भेज के मर्डर करा दिया, इस तरह से एक दूसरे को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह की भूमिका इनकी रही।